अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज हमने सेटअप पे आ चुके और ये देखें अपने कुंभों को, जब हमने खाना डाल दिया है और अपना आगे का काम कर लेते हैं। आज जैसे हम दोस्तों अपने सेटअप पे आए तो हमें आज जो है वापस से अपने मुर्गों की हैचिंग देखने को मिली। तो दोस्तों माशाल्लाह हमारे और चूजे जो है हैच होना स्टार्ट हो गए। मैंने दोस्तों हमारे कल वाले चूजे ये बैठे हुए, माशाल्लाह दोस्तों ये लोग जो है अपनी माँ के साथ बैठे हुए। दोस्तों एक बच्चा जो है हमारा मुर्गी का और निकल चुका है। इस मुर्गी की दोस्तों हैचिंग स्टार्ट हुई है माशाल्लाह से। दोस्तों दोस्तों माशाल्लाह आप ये देख सकते हैं हमारी मुर्गी की हैचिंग वापस स्टार्ट हो चुकी है। दोस्तों हमने जो है लगभग एक से दो दिन में ही मुर्गियों को बिठाया था, ज्यादा गेम नहीं था मुर्गियों में। तो दोस्तों माशाल्लाह से इस मुर्गी की भी आप देख सकते हैं कि हैचिंग स्टार्ट होने वाली है। दोस्तों मुर्गी बच्चे निकलने के लिए तैयार है, रेडी है। तो माशाल्लाह दोस्तों हमारे पास जो है बच्चे जो है निकलना स्टार्ट हो चुके हैं असल मुर्गियों की और भी। तो दोस्तों हमारे पास आपको पता है कि चार मुर्गियां थी और चारों मुर्गियां जो है माशाल्लाह दोस्तों बच्चे निकालना स्टार्ट कर दी है और हैचिंग उनकी स्टार्ट हो गई है। लेकिन दोस्तों हमारे पास मसला ये है कि हमारे पास केज जो है एक ही है, केज हमारे पास एक और नहीं है जिसमें हम अपनी मुर्गियों को शिफ्ट कर सके बच्चों के साथ, क्योंकि हम आपको पता है ऑलरेडी 23-6 हमारे इस मुर्गी के साथ रखे हुए। तो थोड़ा सा मसला होगा क्योंकि जगह जो है हमें अरेंज करनी पड़ेगी अपने चूजों के लिए, ताकि जो है हर मुर्गी अपने बच्चों को अलग से इंक्यूबेट करे और अलग से जो है अपने बच्चों को फीड करवाए। क्योंकि दोस्तों जब बच्चे ज्यादा हो जाते तो फीमेल जो है फिर वो इतने ज्यादा बच्चों को जो है वो नहीं पाल सकती, क्योंकि परों के अंदर कितने बच्चे को लेकर जाएगी। दोस्तों एक मुर्गी की कैपेसिटी जो होती है वो तकरीबन 15 बच्चों की होती है, उससे ज्यादा बच्चे दोस्तों अगर कर दें मुर्गी के नीचे तो फिर वो बच्चे थोड़े बाहर आते हैं, उनको फिर हवा लगती है, ठंड लगती है, तो इस वजह से बच्चे हमारे खराब भी हो सकते हैं। तो कोशिश करेंगे दोस्तों उनके लिए मैं अभी कुछ जगह अरेंज करूं और उनको जो है वहां पे शिफ्ट करूं जब तक हमारे बच्चे निकलने वाले हैं। तो इंशाल्लाह दोस्तों ऐसा ही करेंगे और अभी चलते हैं दोस्तों अपने तोतों की तरफ, जो कि हमारे सेल्फ फीड के बच्चे। दोस्तों उनको जो है हमने चेक करना है कि हमारे बच्चे कौन कौन से बड़े हो चुके हैं, ताकि हम उनको बाहर खोल दें। इंशाल्लाह दोस्तों आज ये काम भी करेंगे बच्चे वाले बच्चे। आप लोगों को जैसा कि पता है कुछ हमारे इसमें से बच्चे जो है बड़े हो चुके हैं, तो इनमें से जो है कुछ बच्चे कम करेंगे और पैसे लेनों के बच्चे जो है दोस्तों हम यहाँ पे लाके शिफ्ट करेंगे। कोशिश करेंगे दोस्तों वहाँ से पैसे लेनों के बच्चे उठाएं और यहाँ पे लाके शिफ्ट करें। माशाल्लाह दोस्तों हमारा पैसे लेनों का चिक जो है दोस्तों माशाल्लाह बहुत ही अच्छी ग्रोथ में जा रहा है। ये देखें दोस्तों माशाल्लाह इसकी ब्यूटी देखें माशाल्लाह से दोस्तों। ये तो अभी दोस्तों इसको हम नहीं खोलेंगे क्योंकि अभी थोड़ा छोटा बच्चा है हमारा। कोशिश करेंगे दोस्तों आज हम लुटीनों के बच्चों को बाहर खोलें, क्योंकि हमारे लुटीनों के बच्चे जो दोस्तों कुछ बड़े हो चुके हैं तो उनको कोशिश करेंगे बाहर खोलने की। दोस्तों माशाल्लाह हमारा ये बच्चा जो है दोस्तों बड़ा हो चुका है, तो इसको जो है हम यहाँ पे छोड़ देंगे। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दोस्तों ये वाला बच्चा भी हमारा बड़ा हो चुका है, तो इसको भी हम जो है यहाँ पे खोल देंगे ताकि ये अपनी लाइफ आगे गुजारे। यहाँ माशाल्लाह दोस्तों वहाँ पे चला गया बच्चा हमारा। दोस्तों अभी हमारे पास एक दो बच्चे और हैं जिनको हमें अलग करना है। ये बच्चा दोस्तों ग्रीन लवबर्ड का है, इसको भी जो है हम अलग करेंगे अभी। ये वाला अभी बच्चा दोस्तों थोड़ा कमजोर है, आप लोगों को दिख रहा होगा थोड़ा सा ये अभी छोटा है, तो इसको अभी हम अलग नहीं करेंगे। तो अभी दोस्तों मेरे ख्याल से अभी चार बच्चे जो हमने अलग किए ये बहुत हैं, तो पहले इन वो लोग जो है दोस्तों बाहर सर्वाइव करना सीख गए, तो इंशाल्लाह हम और बच्चे भी इसके अंदर फिर और अलग कर देंगे। अब चलते हैं पैसे लेनों के बच्चे देख लेते हैं, और हमारे दोस्तों अलग होने वाले होंगे तो इंशाल्लाह उनको भी अलग करेंगे। आइए देख लेते हैं बच्चे जो है अंदर ही हैं बाहर नहीं है, उनको उतार लेते हैं फिर आपको दिखाएंगे। ये बच्चा दोस्तों हमने पकड़ लिया और इसको जो है अलग करने चलते हैं। माशाल्लाह दोस्तों बहुत झटके मार रहा है हाथ में, ये ना हो कि मेरे हाथ से ये स्लिप होके निकल जाए, तो इसको जल्दी से मैं जो है इसके केज में शिफ्ट कर देता हूँ। दोस्तों हमारा एक पैसे लेनों का बच्चा और रह गया, तो उसको जो है हम काफी थोड़े टाइम बाद अलग करेंगे, क्योंकि अभी थोड़ा हमारा बच्चा वो छोटा है, तो उसको पहले सेहतमंद होने देंगे फिर उसको अलग करेंगे। तो जब तक दोस्तों हमने तोतों के लिए जो है हम चने निकाल लेते हैं और चने डालना स्टार्ट करते हैं।
आपने चने निकाल लिए और आप जो है अपने तोतों को सर्व करना स्टार्ट करते हैं। चने दोस्तों डाल दिए हैं, माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारे तोते जो दोस्तों तड़के खाना शुरू कर दिया हमारे लवबर्ड ने, तो माशाल्लाह दोस्तों ये सब खा रहे हैं अपना। माशाल्लाह दोस्तों यहाँ पे भी डाल दिया, दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल मिनी दू शेयर में जी आपको लाइक लाजमी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। दोस्तों मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, सी एम आने।